कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी का शहीद दिवस 28 सितंबर को गुरुवार को दल्ली राजहरा में मनाए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जनशक्ति मुक्ति मोर्चा सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा 3 बैठक के पश्चात एक साथ मनाए जाने पर सहमति बनी। इसकी सूचना मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को दी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने पत्रकार वार्ता लेकर इस बात की जानकारी दी कि उनके नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी की शहादत जहां हुई थी, इस वर्ष से सिर्फ उसी जगह दल्ली राजहरा में शहादत दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में वहां उपस्थित होंगे। उसके बाद उन्होंने शहीद शंकर गुहा नियोगी के कातिलों पर अब तक कार्रवाई न होने के लिए पूर्व भाजपा की सरकार और वर्तमान कांग्रेस की सरकार को दोषी बताया और इन सरकारों के साथ हथियारों की मिलीभगत होने की बातें कही। साथ ही अपने आंदोलन का विस्तार करते हुए वह श्रमिक जो आज भी कंपनी मालिकों द्वारा ठगे जा रहे हैं उनके लिए आंदोलन को और तेज करने की बातें कही। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष एवं एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमराव बागड़े ने विशेष तौर पर ACC सीमेंट कंपनी एवं रसमड़ा में स्थित टॉप वर्थ कंपनी द्वारा लगातार मजदूरों के शोषण करने की बातें भी कही है। हमारे नेता कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। 28 सितंबर 1991 की रात भिलाई हुड को कार्यालय में जब वो सोए थे उन्हें गोली मारकर हत्या की गई, क्योंकि वो आंदोलन जो है श्रमिकों का विस्तार रूप ले चुका था। भिलाई में, कुमारी में, उरला, टेढ़ेसरा, ये 3 जिलों में आंदोलन का विस्तार हो चुका था और इसी डर से जो है उद्योगपतियों द्वारा गैंग बनाकर जो है उनको जो है गोली से जो मारा गया, उस मामले में CBI द्वारा सिंप्लेक्स कंपनी के मालिक गुलचन साहा, चंद्रकांत साहा सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सेशन कोर्ट ने गोली मारने वाले पलटन मल्ला को फांसी की सजा और बाकी 5 अन्य को जो आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये मामला जो है जबलपुर हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोली मारने वाले पलटन मल्ला को फांसी की सजा बदलकर आजीवन कारावास की सजा दी गई और बाकी सभी आरोपियों को जो बरी किया गया। और इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन किए थे कि इस मामले की दोबारा जांच किया जाए, हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश से जो जांच कराया जाए, ये हमने निवेदन किया था। और निवेदन पर राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को 13 जनवरी 2016 को समुचित कार्रवाई करने का लिखित पत्र जो है छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार द्वारा भी दोबारा जांच नहीं करवाई गई और अभी वर्तमान सरकार भी जांच नहीं करा रही कि दोबारा जो है जांच कराई जाए, क्योंकि जिनको सजा हुई आरोपी पलटन मल्ला उनके साथ नियोगी जी का कोई दुश्मनी नहीं थी। वो गोली मरवाने वाले कौन है, उस हत्या के पीछे कौन है, इसका पर्दाफाश होना जो आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाह रही है कि नियोगी जी की हत्या किसने करवाया और इसलिए हमारी ये जो मांग है और इस अवसर पर हमारा ये जो कहना है, क्योंकि नियोगी जी ने अपनी हत्या के पूर्व ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड किए थे, उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने बोले कि मेरी हत्या के पीछे कैलाशपति केड़िया और मूलचंद साहा है, ये 2 लोग मेरे जान के पीछे पड़े हुए। ये कैसेट जो है न्यायालय में पेश हो चुकी है, इसके बावजूद CBI ने केड़िया को आरोपी नहीं बनाया। उसके अलावा जो आरोपी पलटन मल्ला है उन्होंने कोर्ट में आवेदन पेश किया कि केड़िया जी के यहाँ आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया, उस दौरान जो दस्तावेज प्राप्त हुए वो कंप्यूटर की फ्लॉपी जो है कोर्ट में पेश कराई जाए ताकि असलियत सामने आ सके। इसके बावजूद CBI द्वारा उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया, इसलिए हमारी मांग है कि उस मामले की दोबारा जांच कराई जाए। हमारा इस अवसर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने ये जो श्रमिकों के लिए जो कानून बने हुए थे 44 कानून, उनको खत्म कर मात्र 4 श्रम को रखे हैं। 8 घंटे ड्यूटी का कानून था उसको 12 घंटे किया गया और इसलिए उद्योगपतियों को, कारपोरेट लोगों को जो है
फायदा पहुंचाने के लिए ये जो है किया गया है। ये बात सही है कि परिस्थिति बदल गई है। बीएसपी में जो ठेकेदारी चल रही है, कानून बोलता है कि रेगुलर काम में ठेकेदारी नहीं चल सकती, ठेकेदारी जो अस्थाई काम में चल सकती है, नाली बनाना है, सड़क बनाना है, उसमें ठेकेदारी चल सकती है। जो ठेकेदारी चलाई जा रही, 22,000 श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं, वो सरासर गलत है, कानूनन गलत है। तो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और वो जो ठेकेदार है, मजदूरों को पेमेंट करते हैं 12,000 और बाद में बोलते हैं 4,000 वापस लाना, नहीं तो गेट पास जो है नहीं मिलेगी, दूसरे दिन गेट पास जो है बंद हो जाएगी। और इस तरह का जो इधर औद्योगिक क्षेत्र में भी जो काफ़ी समस्या है, ACC में भी जो समस्या है। बागड़े जी, समस्याओं से हम वाकिफ हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पहले की तरह लड़ाई क्यों नहीं कर रही है कर्मचारियों के लिए? लड़ाई तो कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक जो कर रहे हैं। और आज के वर्तमान जो नेता है, नियोगी जी नहीं बन सकते। हाँ, मगर नियोगी जी के जो विचारधारा, उसको लेके आज भी कर रहे हैं, अपनी क्षमता के मुताबिक कर रहे हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे। नियोगी जी की जो हत्या हुई है, कहीं उससे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भी तो डरा हुआ नहीं कि कोई लीडर अगर वैसा बनता है, सामने आता है, तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी? अगर ये डर होता तो आज ये प्रेस के सामने ये बात नहीं बोलते हम, क्योंकि आप तो इसको बोलने वाले हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में खबर फैलने वाली है, डरने वाले में से नहीं है। बागड़ी जी, एक चीज़ तो, भूपेश बघेल जी से हम मिले, हमारा 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 2 बार 3 बार मिल चुका है, मगर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। हमने भरसक प्रयास किया है कि इस मामले में जो है जांच पड़ताल शुरू हो। ये 28 सितंबर को क्या कार्यक्रम है? 28 सितंबर को पहले हम जो अलग अलग कई जगह मनाते थे, मगर इस बार जो है दिल्ली राजधरा में सभी लोग मिलकर आयोजित करने वाले हैं, आयोजित कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली राजधरा कामरेड नियोगी जी का जो है कर्मभूमि रहा है, और इसलिए हम सब मिलकर जो है वहाँ के लिए जो है तय किए हैं। औद्योगिक शहर है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ उसके समकक्ष जन मुक्ति मोर्चा का साथ मिल जाने से अब मजदूरों के हित में विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो ढीले पड़ गए थे उन्हें पुनः मजबूत करते हुए आगे की लड़ाई लड़ने की बातें भी प्रेस वार्ता में कही गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।